हमने फैसला किया कि अभी पेट्रोल और डीजल का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने हम खरीदना चाहते हैं। अगर हम खरीदना चाहते हैं तो उसको भी हम चार्ज करेंगे सोलर एनर्जी से। आपको यह जान के बहुत ही ताज्जुब होगा कि सोलर एनर्जी का यूज करके बिजली का बिल तो कम होता ही है, उसी के साथ साथ हमारे नेचर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। यदि आप सदर्न इंडिया में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो सोलर लगवाने की जो पर्पस जानेंगे, मोस्ट ऑफ पर्सन का होता है कि वी सेव द नेशन, जिससे नेचुरल रिसोर्स की हमारे लाइफ में कमी ना हो। जैसा कि आपको पता है कि बिजली जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वह चाहे डीजल या कोयले से बनती है, जहां आपको पता है कि इन सभी नेचुरल रिसोर्स की कमी धीरे धीरे होती जा रही है, तो उसके लिए आज से ही कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे हमारे फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्स की कमी ना हो। इसी प्रूवन केस स्टडी को समझने के लिए हम आए हुए हैं कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। यदि हम मैसूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम आपको बताएं तो इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी, जिसको इंडिया में कम से कम 3 बार इसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल चुका है। जैसे कि आपको पता है कि इसी के साथ साथ और भी कई सिटी है, जैसे कि पुणे हो गया, इंदौर हो गया, ये सब सबसे ज्यादा क्लीन सिटी है। तो यहाँ पर क्लीन सिटी में एक घर पर क्या ऐसा अप्लायंसेस लगाया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कर्नाटक के हर घरों में एक सोलर वाटर हीटर, जब घर बनता है उसी समय बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप घर बनाने में क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, उसी में आ जाता है सोलर वाटर हीटर। तो यहाँ पर सोलर वाटर हीटर बहुत ही कॉमन चीज है, लोग इसके बारे में बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो यहाँ पर कई लोग जानना चाहते हैं कि जो लोग गीजर से पानी गर्म करते हैं तो उनको घर की पावर की कंजम्पशन तो हमेशा बढ़ेगी। यदि हम बात करें सदर्न इंडिया में, यदि कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट के घरों का, तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन पर डे का जो है लगभग 8 यूनिट पावर कंज्यूम करते हैं एवरी डे। तो यहाँ पर उस 8 यूनिट को चाहे तो अपने पॉकेट से इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंटेलिटी है, यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि जो भी हो हम नेचर को सेव करें, तो ऐसा क्या काम करें जो अपने सिटी को क्लीन और ग्रीन बनाने में कंट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो बिजली हम यूज कर रहे हैं वो हम खुद से बना सकते हैं, और बिजली बनाने की जो तरीका है वह है सोलर पैनल। सोलर पैनल जैसा कि आपको पता है कि डे के टाइम में मॉर्निंग से 6 बजे से लेके इवनिंग के 5 बजे तक सनलाइट उस पर पड़ती है, उससे एक बिजली जनरेट होती है, और वह जो बिजली जनरेट होती है वह डीसी करंट में रहता है, और डीसी करंट को जनरली एक बैटरी में स्टोर करते हैं, और इन्वर्टर की मदद से घर के जो भी एसी अप्लायंसेस है जैसे कि टीवी, लाइट, पंखा, पानी का मोटर, इंडक्शन, इन सभी को यूज करते हैं। इंडिया में कई ऐसे जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की पावर कट तो होती नहीं है, लेकिन मैसूर के जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर आने पर यह पता चला कि यहां पर पावर कट खासकर समर के सीजन में कब आएगा कब जाएगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल घरों में यदि पावर कट हो जाए तो एक नॉर्मल जो घर में जो फैमिली होते वो कैसे रहेंगे, उसके लिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, जिसमें से 2 किलोवाट का सोलर पैनल। तो इस पावर कट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहां पर 2 किलोवाट का शार्क मॉड्यूल लगाया गया है, और उसके साथ 2500 VA का MPPT सोलर इन्वर्टर जो 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। यहाँ की जो घर होती है एक महल जैसा होता है, रॉयल होम्स होते हैं, तो यहाँ पर घर के डिजाइन में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए सोलर लगाने के बाद। तो यहाँ पर सोलर पैनल को एक हाई राइज स्ट्रक्चर की मदद से काफी हाइट पर लगाया गया है, जिससे ये वहां पर नीचे बैठे लोगों को ये फील नहीं होता कि हम सोलर पैनल मेरे घर पर लगा हुआ है। सोलर लगाने के बाद पावर कट की प्रॉब्लम तो दूर होती ही होती है, उसी के साथ साथ बिजली बिल की भी बचत होती है। तो यहाँ पर आपको बता दें महीने का बिजली बिल 600 से लेकर 800 रुपया की आती थी, आज के टाइम में सिर्फ मीटर का कॉस्ट मींस कि 85 रुपीज ओनली उनको पे करना पड़ता है, जो काफी फायदेमंद है। ये तो हो गया सोलर के बेनिफिट्स। यहाँ के जो सोलर पर्सन है जो डेली बेसिस पर वो यहाँ के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे और उनसे समझेंगे कि वो किस टाइप से अवेयर
करना चाहते हैं, लोग उनसे क्या पूछते हैं, तो एक बार उनको हम बुलाते हैं और उनसे समझेंगे। तो हमारे साथ विनय हैं, काफी सोलर प्रोफेशनल हैं ये, सोलर के बारे में बहुत कुछ इनको पता है। तो विनय कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सोलर में आप कितने लोगों को कॉल डेली करते हैं? डेली 25 लोग आपसे क्या पूछते हैं? सर मैं, हमको सोलर बहुत यूज है, हम के भी यूजर्स मैं के भी नहीं यूज करते हैं, नेचुरल के हम करंट यूज करते हैं। हमारा तुम्हारा कंपनी एक लूम सोलर एक कंपनी है, हम सभी आदमी बोलता है अच्छा है लूम सोलर, अच्छा है हाफ कट पैनल है, बहुत अच्छा एफिशिएंसी देता हमको। ये नया फ्यूचर ये क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए के भी ये वन टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन्वेस्टमेंट, वन टाइम सोलर इन्वेस्टमेंट, डेली यूजर्स। ओके, तो यहाँ पर सोलर लूम सोलर की खास बात क्या है ये जानना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि सोलर पैनल में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सोलर पैनल है वह सार्क बाइफेशियल सोलर पैनल है, जिसकी इफिशियंसी की बात करें तो लगभग 22% है, और उसकी बेनिफिट्स की बात करें तो कम स्पेस में सबसे ज्यादा बिजली बनाता है, ये इसकी एडवांटेज है। और जैसे कि आप ये घर देख रहे हैं, हमें लगता है मैसूर में ऐसे बहुत सारे घर होंगे, लेकिन इस घर की जो जरूरत है, जैसे कि सर बताए कि हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना, जैसे फोर व्हीलर खरीदना है, यदि फोर व्हीलर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 5 किलोवाट 8 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की जरूरत पड़ेगी। यदि नॉर्मल सोलर पैनल लगाएंगे तो पूरा एरिया भर जाएगा। ओके, यदि वो सुपर हाई इफिशियंसी मॉड्यूल लगाएंगे तो कम स्पेस में ज्यादा बिजली बनाएगा, ये बेनिफिट्स हैं। और रही बात लूम सोलर के बारे में, लूम सोलर इंडिया में पहले ऐसी कंपनी थी जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल इंट्रोड्यूस की थी, जो कम लाइट और क्लाउडी वेदर में काम करता है। सर पॉली पैनल मोनो पैनल व्हाट इज द डिफरेंट? पॉली पैनल और मोनो पैनल, हम आपको बता दें कि 2022 में जितनी भी बड़ी कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का है वो पॉली पैनल बनाना बंद कर दी है। जो भी यदि खरीद रहे हैं, मे बी वो पहले का मॉड्यूल होगा, लेकिन यदि कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग डेट का मॉड्यूल होगा ही नहीं, तो आज के टाइम में हम 2022 में ये बात नहीं करेंगे कि पॉली पैनल में क्या डिफरेंस है, हम बात करेंगे मोनो पैनल के बारे में, मोनो पैनल बढ़िया सोलर पैनल कौन सा होगा। ठीक है, कस्टमर पूछता, हम कस्टमर साइड को विजिट करता, सर सोलर इंस्टॉलेशन करो अच्छा फ्यूचर है, वो पूछता कौन सा सोलर कंपनी अच्छा है। अच्छा, कौन सा सोलर कंपनी है? सभी सोलर कंपनी है, लुमिनस कंपनी है, माइक्रोटेक, सभी इनोवेटिव कंपनी है, पूरा है। लूम सोलर क्यों, सभी को क्यों अच्छा? सर लूम सोलर हाफ कट पैनल 9 बस पर 144 सेल हाई एफिशिएंसी लेता। तो इसमें हम आपको बता दें, सोलर जो है एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, सोलर लगाने के पहले सोलर कंपनी प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन सपोर्ट कई पैरामीटर को देखा जाता है। तो आज तक लूम सोलर की हम बात करें तो लगभग ऐसे ऐसे घरों में 50,000 घरों में सोलर पैनल लगा दिया है। ठीक है, ये हो गया कि एक कि जी हम लगा दिए हैं हमारे प्रोडक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह सोलर पैनल लगाने के बाद घर में बिजली कनेक्शन कटवा दिया गया और 85 रुपया ही उनको बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ केस स्टडी इंडिया में आज तक कोई कंपनी नहीं कर रही है, कोई कंपनी, दैट इज अ वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ लूम सोलर। सो आज हम कर्नाटका के मैसूर डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह है, और इस जगह के बारे में यहाँ के जो मैम है, मैम एक्चुअली एक प्रोफेसर हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के बारे में बताएंगे। तो हेलो मैम, हाउ आर यू मैम? नमस्ते मैम। सो यहाँ के बारे में बताएं मैम क्या है, और लोग जो यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं वो चीज बताएं। मैसूर का लोग सभी जानते हैं। तो मैम सबसे पहले जो हम लोग आए हैं, ये सोलर पावर प्लांट जो लगा है वो लूम सोलर के सिस्टम का लगा है, और यहाँ के जो पार्टनर है A2Z Solution। सोलर लगाना एक डिफिकल्ट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सोलर एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, नया प्रोडक्ट है, जैसा कि आपके बगल के घर में एक लगा हुआ है। तो आप जो सोलर की इनिशिएटिव लिए,
वो कैसे हुआ, कैसे इंस्पायर हुए और सोलर अपने घर में ये लगा हुआ है? अभी हमको नेचर से क्या मिलता है उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, फिर भी नेचर से हमने वो सोलर एनर्जी है ना, उसको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। इसीलिए हमने फैसला किया कि लगाना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना है। ओके ओके, मतलब नेचर से जो नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज करें। ओके ओके, तो यहाँ पर तो जब आपका डिसाइड हो गया कि सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिए? अभी हमने जाना कि सोलर पैनल्स अभी है, सोलर एनर्जी हम ले सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। हमने फैसला किया कि अभी पेट्रोल और डीजल का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, सो इसीलिए हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम खरीदना चाहते हैं। अगर हम खरीदना चाहते हैं तो उसको भी हम चार्ज करेंगे सोलर एनर्जी से और एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं डीजल और पेट्रोल कम यूज करके। इसीलिए हमने सोचा कि हम सोलर पैनल लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी कम कर दें, डीजल और पेट्रोल भी कम कर दें, सो दैट एनवायरनमेंटल। तो मैम कई लोग जानना चाहते हैं कि बिजली यूज करके हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, ऐसा क्या हम कर रहे हैं जो इससे एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट हो रहा है? बिजली इलेक्ट्रिसिटी हम पे कर रहे हैं क्योंकि वो कम करना है, और दूसरा रीजन है हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके सोलर पैनल यूज करके चार्ज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल। वी वांट टू गो विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी व्हीकल्स, ओनली टू सेव द एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है मैम, ईवी के बात कर रहे हैं तो कि क्या यहाँ पर आपको पहले से आइडिया है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम खरीदते हैं, जैसे फोर व्हीलर की बात करते हैं, तो वो कितने बिजली यूनिट कंज्यूम करेगा? हाँ, हमको पता है, जैसे 5 किलोवाट है, अभी हमने 2 किलोवाट लगाए हैं, बट हमको इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा चाहिए। अभी हम 4 व्हीलर देंगे तो, बिकॉज 2 किलोवाट अभी 1.7 किलोवाट ही देता है। ओके, 5 किलोवाट तो मैम यहाँ पर जब आपका सोलर डिसाइड हो गया कि सोलर लगाना है घर में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिए? हमने बात किए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड एंड फैमिली डिसीजन, फैमिली डिसीजन, वी सैट टुगेदर, हमने डिस्कस किए, हमने सोचा कि अगर हम सोलर एनर्जी ले सकते हैं थ्रू सोलर पैनल, हम वहीं पे जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सकते हैं और बिल भी कम आएगा। तो उसमें आप बिजली का बिल कम, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप जैसे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कौन सा होना चाहिए, किस कौन इंस्टॉल करेगा, मतलब ये सब एक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी है, वो आप कैसे डिसीजन लिए? हमारे हस्बैंड को पता था, हमने सर्च भी किए, इंटरनेट पे सर्च भी किए, और उनको फ्रेंड के बारे में हमको पता चला। तो यहाँ पर मैम का इनिशियल, क्योंकि जैसे कि हर फैमिली में जो फीमेल होते हैं डिसीजन मेकर, उन्हीं का होता है, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं मैम? अभी हमको क्या है ना कि हमने डिसीजन लिए थे हम सोलर जाएंगे, और प्रोडक्ट के बारे में मतलब फाइनल अप्रूवल आपसे आया कि हाँ सोलर पर जा सकते हैं। आज के टाइम में सोलर लगाना काफी इजी है, सोलर की पूरी इंफॉर्मेशन आप अपने मोबाइल फोन से लूम सोलर वेबसाइट से ले सकते हैं। यदि आप मैसूर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एरिया से हैं, आप चाहते हैं कि हमारा इंजीनियर आपके घर पर जाए, आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करे, तो वहां से आप इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं। तो यहां के जो लोकल पर्सन होंगे वहां पर आपके घर पर जाएंगे, आपकी पूरी जानकारी दे के आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।